नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से आ रही है। रायबरेली के दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कल स्मृति ईरानी करेंगी रायबरेली का दौरा। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी सलोन विधानसभा। रक्तदान समेत कई कार्यक्रम में होंगी शामिल। लखनऊ से सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचेंगी। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कल स्मृति ईरानी का रायबरेली का दौरा। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी सलोन विधानसभा। रक्तदान समेत कई कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। लखनऊ से सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचेंगी। कल स्मृति ईरानी करेंगी रायबरेली का दौरा। रक्तदान समेत कई कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का दौरा किया। सीएम योगी ने गोरखपुर दौरे में बच्चों से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम योगी ने बच्चों को अपने हेलीकॉप्टर में भी घुमाया। सीएम से मिलकर बच्चे काफी खुश नजर आए। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर उनको सैर कराया और इस दौरान बच्चे भी काफी खुश नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हेलीकॉप्टर में बच्चों को सैर कराया और इस दौरान बच्चे काफी खुश नजर आए। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं मैनपुरी के भोगांव में समाजवादी पार्टी ने एक जनसभा का आयोजन किया। नेशनल डिग्री कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने शिरकत की। अखिलेश यादव ने लोगों से मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव को वोट देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान प्रत्याशी डिंपल यादव ने भी जनता से समाजवादी पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। इस मौके पर सपा के कई नेता भी मौजूद रहे। हो गई इसके लिए इस सरकार जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है और हमें और आपका ध्यान हटाने के लिए फैसले ले रहे हैं। जब ये चुनाव मैनपुरी का हो रहा है तो आपने इनके नेताओं के स्टेटमेंट भी सुन लिए होंगे। ये हमें और आपको बहकाना चाहते हैं, हमें और आपको अपने स्टेटमेंट देकर के उलझाना चाहते हैं। इसलिए जहां आपको भारतीय जनता पार्टी से सावधान भी रहना है वहीं इनके खिलाफ भी आपको एक एक वोट डाल करके इनके खिलाफ संदेश देने का भी काम करना है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी मीडिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात, मैनपुरी का चुनाव होने जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है ये। मैनपुरी नेताजी की कर्म भूमि रही है और नेताजी के हृदय में हमेशा मैनपुरी बसा था। नेताजी का एक भावात्मक रिश्ता था मैनपुरी के साथ और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का काम मैं और साथ ही में अखिलेश जी भी करने जाएंगे। आज अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो सच कहा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा तरह तरह के प्रोपोगंडा बनाकर इस देश में नए नए प्रोजेक्ट लाके लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। ये चुनाव सिर्फ भारत देश सिर्फ ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये भारत देश में नए परिवर्तन का चुनाव है। ये रघुराज ये साथ के हम लोगों के साथ एमपी था, समाजवादी पार्टी ने इसको सम्मान दिया, इसको दो दो बार एमपी बनाया दोस्तों। और आज धोखा देके विभिन्न पार्टियों में जाके भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ वोट कटाने के दृष्टिकोण से इसको खड़ा।
अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। प्रदेश में निवास के लिए निमंत्रण, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दिया आमंत्रण। औद्योगिक मंत्रियों को दिया निमंत्रण, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए दिया निमंत्रण। 13 देशों के औद्योगिक मंत्रियों को दिया निमंत्रण। औद्योगिक विकास नीति 2022-23 की भी दी जानकारी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने दिया निमंत्रण। औद्योगिक मंत्रियों को दिया निमंत्रण, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए दिया निमंत्रण। 13 देशों के औद्योगिक मंत्रियों को दिया निमंत्रण। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। प्रदेश में निवास के लिए दिया निमंत्रण, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दिया आमंत्रण। औद्योगिक मंत्रियों को दिया निमंत्रण, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए दिया निमंत्रण। 13 देशों के औद्योगिक मंत्रियों को दिया निमंत्रण। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में निवास के लिए निमंत्रण, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दिया आमंत्रण। औद्योगिक मंत्रियों को दिया निमंत्रण, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए दिया निमंत्रण। 13 देशों के औद्योगिक मंत्रियों को दिया निमंत्रण। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। वहीं अंबेडकर नगर के गांव में कक्षा 2 की छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने बताया कि जब बच्ची दुकान में सामान लेने गई थी तब दुकान में मौजूद एक युवक ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर और जांच शुरू कर दी है। सर, हमारी लड़की कल स्कूल जा रही थी, एक किराने की दुकान से हमारी बच्ची पेन ली और इसी ग्राम सभा के बबलू सिंह बैठे थे और उन्होंने हमारी बच्ची को मुंह दाब के पीछे से बगल वाले घर में हमारी बच्ची को उठा ले गए। किसी तरह हमारी बच्ची चिल्लाई वहाँ से निकल गई और उसके बाद शाम को जब हम काम पर से घर आए तो हमारी घर वाले हमको सब बताए तो मैं तुरंत पुलिस को सूचना दिया और उसके बाद पुलिस शाम को आई, मैंने उनको भी गिरफ्तार किया, हमको भी ले। यहाँ पे एक स्कूल जाती हुई बालिका के साथ दरिंदगी हुई है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने बालिका के घर वालों और जो FIR जो प्राप्त हुआ उसके आधार पर जो नामित अभियुक्त है उसको अपने उसमें हिरासत में लेके। बाराबंकी में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों इकबाल अंसारी और यमुना प्रसाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तस्करों से 2 किलो स्मैक भी बरामद की है। जब्त की गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। जिले के SP ने स्मैक तस्करों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। नीतीश कुमार श्रीवास्तव और उनकी टीम द्वारा, इसमें विशेष रूप से चौकिंचा सिद्धौर और उनके साथ लगी हुई पुलिसकर्मियों को एक सूचना पर उन्होंने एक बड़ा सराहनीय कार्य किया। इसमें 2 मादक पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, इनके नाम इकबाल और जमुना है और इसमें 2 किलो से अधिक की मात्रा में स्मैक बरामद हुई है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास है। कन्नौज में लंबे समय से हो रहे अवैध खनन को संज्ञान में लेते हुए SP ने बड़ी कार्रवाई की है। SP ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है जहां विगत कई महीनों से कोतवाली पुलिस से साठ गांठ कर कुछ लोग अवैध रूप से खनन करवा रहे थे, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बड़ी कार्रवाई की। मामले में बीट आरक्षी एवं चौकी प्रभारी समेत तत्कालीन शहर कोतवाल को
निलंबित कर दिया गया है। और वहीं एक दिन पहले खनन के आरोपी को छोड़े जाने को लेकर सपा ने कड़ा विरोध जताया था। अमेठी में डीएम के खिलाफ मोर्चा खोलना अधिवक्ताओं को महंगा पड़ गया। अधिवक्ता संघ के महामंत्री द्वारा बेशकीमती जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में 10 बिस्वा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। उमा शंकर मिश्र एडवोकेट, महामंत्री जिला बार एसोसिएशन अमेठी मुख्यालय गौरीगंज। कल घटना घटती है कि हमारी विनिमय की जमीन जो 2015 में विनिमय हुई थी और सरकार के द्वारा विनिमय कराया गया था, गांव सभा नाम सरकार के नाम से पत्रावली थी, मुझसे सहमत लेके सहमत के आधार पर जनहित को देखते हुए रास्ते के लिए जमीन ली गई। जिस जमीन को ली गई उसमें रास्ता बन गई, जो मुझको दिया गया था उसमें मैंने निर्माण कर लिया था। अधिवक्ता चैम्बर बन गया था, 4-5 कमरे बन गए थे, बाउंड्री बन गई थी। 16/11/2022 को बिना नोटिस संबंध दिए हुए जिलाधिकारी के आदेश, मौखिक आदेश पर जिलाधिकारी राकेश कुमार जी ने उसको खारिज कर दिया। 16/11/22 मैं जिला बार एसोसिएशन का आह्वान पर जिला अधिकारी राकेश कुमार, अपर जिला अधिकारी तहसीलदार दिग्विजय सिंह, नायब जामो के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग धरने पर बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं, जिससे हमारे जिलाधिकारी नाराज होकर के सभी अधिवक्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, सबका बिना किसी कानून के, बिना किसी आदेश के स्वयं डिक्टेटरशिप करके सबका ध्वस्त मकान कर रहे हैं। गाजियाबाद में शूट बूट वाला चोरों का एक गैंग इन दिनों काफी सक्रिय है, जो केवल शादी समारोह में बैग चोरी करने का काम कर रहा है। पिछले 4 दिनों के भीतर 2 बड़ी वारदातें हो चुकी हैं, बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में शादी समारोह के दौरान एक चोर ने गहनों और कैश से भरा बैग चोरी करके वो फरार हो गया। इंदिरापुरम के वसुंधरा सेक्टर 8 में स्थित वसुंधरा गार्डन में बीती रात राजेश शर्मा की बेटी की शादी थी। शादी समारोह के दौरान कार्यक्रम में शामिल 2 चोरों ने पहले राजेश शर्मा की पत्नी पर खुजली का स्प्रे मारकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की और बाद में मौका मिलते ही सूट पहनकर आए चोर ने बैग चुरा लिया और मौके से फरार हो गया। 4 दिन पहले एक रिंग सेरेमनी के दौरान इसी चोर ने इसी पीले रंग का सूट पहनकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। गुजरात विधानसभा और दिल्ली एमसीडी चुनाव के बीच कवि कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी मिली है, साथ ही उन्हें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है। कुमार विश्वास के मैनेजर ने बताया कि ईमेल के जरिए यह धमकी दी जा रही है। कुमार विश्वास के मैनेजर प्रवीण पांडे ने कहा कि कुछ दिनों से एक शख्स की ओर से लगातार ईमेल के माध्यम से धमकी दी जा रही है। ईमेल करने वाले व्यक्ति ने भगवान राम के लिए बेहद अपमानजनक बातें कहते हुए उनकी महिमा मंडन नहीं करने की चेतावनी दी है। महोदय द्वारा अपराध अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज इंदिरापुरम पुलिस टीम और पुलिस अधीक्षक नगर दूती की टीम के द्वारा क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम के पर्यवेक्षण में लोकेश शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास पर अमर्यादित टिप्पणी की थी और उनको धमकी भरे मेल किए थे तथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विरुद्ध भी इनके द्वारा तरह तरह की टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। इसके संबंध में उचित धाराओं में इंदिरापुरम पर अभियोग पंजीकृत करके और इनके जो मेल आए थे उसके माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से इनको ट्रेस किया गया था, इनको पकड़ के लाया गया। जब पूछताछ की गई तो इन्होंने ये सारी घटना करना स्वीकार किया गया।
मैनपुरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक फैक्ट्री पर छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी कर अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ हथियार बनाने की मशीन भी जब्त की है। पुलिस ने फैक्ट्री में बने हुए 16 तमंचों को भी बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों मुन्नालाल मंजेश को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि छापेमारी के दौरान एक आरोपी फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर कार्रवाई शुरू कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जनपद मैनपुरी के दो थाना क्षेत्रों में बरनाहल और कोतवाली में अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें एसओजी कोतवाली और बरनाहल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पे अवैध शस्त्र बनाए जा रहे हैं। इस सूचना पर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, मुन्नालाल मंजेश और सौरभ को। इनके पास से 16 निर्मित अर्धनिर्मित तमंचे बरामद हुए और इसमें अभी अन्य चीजों की जानकारी की जा रही है कि इनका इस्तेमाल कहां कहां किया जाना था और किसको किसको सप्लाई अभी पूर्व। वहीं मथुरा जिले के चिकसौली गांव में एक युवक मोहन की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि युवक की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के भाई से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मोनू उर्फ मोहन सिंह नाम के बच्चे का गोली लगा सब मिला है। उसके शव को कब्जे में ले लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्रश्न दृष्टिया प्रेम प्रसंग का मामला संज्ञान में आ रहा है। जांच की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। तहरीर आ गई है, मुकदमा कायम है। गोली कहाँ लगी है सर? सर के बीच में लगी। गंगा है, होमगार्ड में जो है कार्यरत है वो करीबन रात को 11 बजे वृंदावन से ड्यूटी करके आया है। तो उसने यहाँ बाथरूम करते हुए उसको देखा। उसके बाद में गंगा जो है रात को सो गया है और सोने के बाद में सुबह मालूम ही हुआ है उसकी इस जगह जो है गोली लगी मिली है। नोएडा के सेक्टर 73 में झुग्गी झोपड़ी में भीषण आग लग गई। आग से करीब 40 झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने राहत का काम शुरू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड ने कार्रवाई शुरू कर दी। नोएडा के सेक्टर 73 में झुग्गी झोपड़ी में भीषण आग लग गई। आग से करीब 40 झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई और सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने राहत का काम शुरू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड ने कार्रवाई शुरू कर दी है और लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। नोएडा की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई, जिसके बाद मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। राधिया दीदी, आपका भी घर जला है? हमारे दामाद की घर जल गया, हमारे लड़की की घर जल गया, हमारे बियाह का घर जल गया। कहाँ के रहने वाली हैं आप? यहाँ पे रहने वाली। क्या काम करते थे यहाँ पर आपके दामाद? पूरा कवारी का काम करती है। आग लगी? पहले टेंट में आग लगी। पहले टेंट में आग लगी सिलेंडर से। अच्छा, उसके बाद में सारे बाकी घर जल गए, सब राख हो गया। कितनी झुग्गी होंगी? लगभग लगभग होंगी 50 झुग्गी यहाँ पे। अच्छा, तुम यहीं थे मौके पर? हाँ, यहीं थे।
कौशाम्बी के चायल से सपा विधायक का पूजा पाल की गाड़ी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में वो बाल बाल बच गई, लेकिन उनका गनर और ड्राइवर घायल हो गए, जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पूजा पाल कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव के चुनाव प्रचार के लिए मैनपुरी जा रही थी। हमारा उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।